क्यों अटैक होते हैं? इसका रीजन मुझे नहीं पता है। पुलिस में कंप्लेंट करो। मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है, तो वो मुझसे कहते हैं एफआईआर लिखो। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखा है? जब हमें पता ही नहीं है कि इस पर कौन है वो लोग, ठीक है, तो हम किसके एफआईआर? He abused me. He cannot abuse a woman. Yes, in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. के सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। आप तेजी से हिट होने के बाद गिरी नहीं? मैम मैं मर जाती तब मेरी न्यूज आ जाती थी, उसके बाद आपको यकीन होता उसने मुझे हिट किया है। जब गाड़ी आमतौर पर टक्कर मारती है तो इंसान गिर जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपका नुकसान हो। मैम उसका फोन साइड में चल रहा था और उसकी नजरें ट्रैफिक लाइट पे नहीं मुझ पे थी, वो दिन मुझे उड़ा देता मैम। वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था। हे गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीप हिमाचली। तो कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। आप सब अपने अपने घरों में सेफ हो, सुरक्षित हो। तो सबसे पहले इसके होने वाले हस्बैंड के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। आई डोंट नो उसने क्या ऐसे फूटे गर्म किए होंगे जिसको ये मिलने वाली है, आई मीन जिससे इसकी शादी होने वाली है। I love you, my best friend. I love you, my best friend. I love you, my best friend. My best friend. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे शख्स के बारे में जिसकी वीडियो, स्टेटमेंट्स और इंटरव्यू सुनने के बाद हर कोई इनके मम्मी पापा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कहाँ बवासीर बना दिया हो? गाइस, एक तरफ इंडिया की वो महिला है जो ओलंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन कर रही है और एक तरफ है ये जिनके किस्से सुनने के बाद लखनऊ की एक पुरानी कहावत है जिसके मायने ही बदल गए हैं। एक टाइम पे आप लोग सुनते थे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और लोग अब इसको बोल रहे हैं थप्पड़ खाइए आप लखनऊ में हैं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, एक हम है जिसको वीडियो बनाने में एक दो दिन, कई बार हफ्ता, कई बार महीनों भी लग जाते हैं, और एक ये मोहतरमा है जिनकी आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ रही है और वो वायरल भी हो रही है और जिसे देखो सिर्फ इसी टॉपिक पे बात कर रहा है सब्सक्राइबर और व्यूज के चक्कर में। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस सब्सक्राइबर और व्यूज के समंदर में एक गोता लगा लें। वैसे मैं पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स इतना सही नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना एक और ट्राई किया जाए थोड़े अच्छे और थोड़े बेटर ढंग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है जिसका नाम है प्रियदर्शनी, उसको जो है अरेस्ट कर दिया गया है। तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, बाकी बातें मैं बाद में करता हूँ। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो भाई सुनने में आ रहा था कि इस लड़की को जो है अरेस्ट कर दिया गया है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वीडियो में भी आप क्लियरली देख सकते हो ये प्रियदर्शनी नहीं है, ये आई डोंट नो कौन है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो लड़की है अब लखनऊ छोड़ के भाग गई है। आई डोंट नो सच क्या है झूठ क्या है, बट मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि कैब ड्राइवर को जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इस लड़की को जो है जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाए। इसमें मैं कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। तो क्या है वो अपडेट्स? सबसे पहला अपडेट ये है कि रेड एफएम ने उस एरिया के एसीपी के साथ एक इंटरव्यू लिया है जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर आ गई है और जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हुए। तो क्या है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप भी सुनिए। पुलिस के संज्ञान में आया था कि जो हमारा वो चौराहे पे ये हुआ कि एक युवती और कुछ युवक आपस में उलझ रहे हैं। जब पुलिस मौके पे गई, वो लोग तब तक जो है ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वो युवती उन लोगों को लेके थाने आ रही थी। ठीक है, तो उसके बाद उस युवती ने बताया कि इन लोगों ने गाड़ी से मेरे ऊपर टक्कर मारी और गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, तो इन द मीन टाइम उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया युवती ने, युवकों ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला, चीजों को अपने एक्सेप्ट किया। जब ये पता किया गया कि ये एक्सयूवी किसकी है तो वो लोग ये भी नहीं बता पा रहे थे कि एक्सयूवी किसकी है। बाद में पता करते हुए पता चला कि एक सज्जन है, एक अधिकारी है एटा में,
एसडीएम पद पर तैनात हैं, उनकी एक्सयूवी थी और उनके ये रिश्ते में कोई भतीजे या लैंडलॉर्ड के लड़के थे उनके, जो लोग ये एक्सयूवी लेके आए थे, तीन लोग थे जी। तो मौके पे वो देखते हुए सारी चीजें, युवती काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी तो उनको वहाँ पे शांत कराया गया और उनको ये चेतावनी दी गई कि मतलब जो भी है अगर आप पुलिस के संज्ञान में लेते आई है तो आगे इन तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, 112 पे डायल कर लीजिए, 112 या संबंधित जो भी पुलिस अफसर है उसको आप बताइए। ये हिदायत देकर उनको थाने से छोड़ा गया और इन लोगों के खिलाफ जो है 151 की कार्रवाई की गई। जी जी जी। एक दिन बाद वो वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें लड़की उनको थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। ये उस समय तत्काल, उस समय पुलिस को ये मामला नहीं पता था और दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी वीडियो वायरल हो रहे सर तो उसमें मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये तो लड़की, ये थोड़ा सा गलत दिखाया जा रहा है उसमें, ये दिखाया जा रहा है लोगों ने काफी उसको एजेंडा बना के चला दिया कि वो ड्राइवर था और ये था वो था, वो ड्राइवर ने, वो जाम लगा हुआ है तो टैक्सी नुमा एक वैगन आर दिख रही है वो उन लड़कों की नहीं है, लड़कों की एक्सयूवी थी। तो इसमें एसीपी का कहना है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वहां पे ऐसा कोई थप्पड़ वाला सीन भी हो रखा है, बट आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल और एक कांस्टेबल मौजूद है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उनको इस बात का पता था ही नहीं कि वहाँ पर ऐसा कुछ सीन भी हो रखा है। ऐसी बातें सामने आने के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को अब ये लगने लगा है कि पुलिस जो है इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं इनका एक पुराना वीडियो जो अब काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है जिसमें वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आइए उस वीडियो को रिव्यू करते हैं। चलो आप घर चलो, मैं देख रहा हूं। नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, बताओ तो आप इन्हें ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज्ड मी, ही कैन नॉट अब्यूज अ वुमन इन फ्रंट ऑफ सीसीटीवी फुटेज एंड दैट बॉय हैज रिकॉर्डेड एवरीथिंग। तो ये बोल रही हैं, ही कांट अब्यूज अ वुमन, बट व्हाट इफ अ वुमन अब्यूज अ मैन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में। एंड देन दे आर लाफिंग। मैंने भी काले रंग की जैकेट पहन ली, लगता है कोई ड्रोन आने वाला है। आपको आवाज आ रही है? तो इन दीदी का कहना है कि इन भाई साहब ने अपने बिल्डिंग के गेट पे काले रंग का पेंट करवा रखा है जिस वजह से जो है इनकी कॉलोनी में इंटरनेशनल ड्रोन आने का खतरा हो सकता है। तो इस हिसाब से तो इनको घर के अंदर बैठना चाहिए था। पूछो क्यों? आपने गौर किया होगा इस वीडियो पे, ये खुद काली पजामी, काला टॉप, काले बाल लिए ऐसे खुले में घूम रही है, कल को कोई ड्रोन इसको उड़ा के ले जाए भाई साहब उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस वीडियो में इनका कहना है कि कोई यूपी पुलिस पे सवाल उठाए कि सुन नहीं सकती, पर अब जरा ये आप इंटरव्यू देखिए। तो पुलिस क्या करती है, अंदर से बंद करके सो रही है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस थाना देखा है जो अंदर से बंद करके सोती है। क्या बोला तूने? तो अब बात करते हैं मोहतरमा के कुछ स्टेटमेंट जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, जिसको सुनने के बाद लोगों को कहना था कि इनका स्क्रू ढीला है, बट मुझे ये पक्का विश्वास हो गया था कि इनका ऊपरी माला है ही नहीं। तो अवध चौराहे पे जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने सिग्नल को देखा सबसे पहले, वो जब रेड हुआ तो मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना स्टार्ट किया। बट सीसीटीवी फुटेज में तो आप ऐसा करते नजर नहीं आ रहे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बट इस सीसीटीवी फुटेज में आप गाइस क्लियरली देख सकते हो कि इन दीदी ने ना आओ देखा ना ताओ, और ये भरे ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद रोड क्रॉस करना शुरू कर देती है। के पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं, जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं, होते रहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी नहीं, मेरा इन दीदी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या हो तुम सीएम हो, तुम पीएम हो, तुम राष्ट्रपति हो, क्या हो तुम?
चलो चलो एक सेकंड को मान लिया कि इन पे जो इंटेंस हमले होते हैं, बट जब इनसे पूछा गया कि आपने इसके रिगार्डिंग कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई है, तो इन दीदी का क्या कहना था ये आप सुन लीजिए। नहीं तो क्यों अटैक होते हैं आपके? इसका रीजन मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है, तो वो मुझसे कहते हैं एफआईआर लिखो। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखे आदमी, जब हमें पता ही नहीं है किस पे कौन है वो लोग, ठीक है, तो हम किस पे एफआईआर लिखे। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। अगर ओलंपिक में झूठ बोलने का कोई गेम होता ना भाई साहब, मैं कसम से बोल रहा हूँ ये लड़की इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाती भाई। इनका एक और स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें यह बता रही थी कि इनको 2 साल से जो है धोया मारा जा रहा था। तो ये बातें मेरे मुँह से अच्छी थोड़ी लगेगी, आप इनके मुँह से सुन लीजिए। चूँकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने सर, मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर, और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर। ये बिजली के बिल और बैंक स्टेटमेंट तो दिख गए, बट चोट कहीं दिखाई नहीं दे रही, आप लोग को दिखे क्या? तो दीदी अपने हर इंटरव्यू में यही बोले जा रही थी कि उनको जो है 2 साल से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बट इनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि आपने इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट की है, तो इनका ये कहना था। लेकर के आप पुलिस तक गई कभी? आपने कभी शिकायत? कभी, मैंने कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस क्या करती है, अंदर से बंद करके सो रही है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस थाना देखा है जो अंदर से बंद करके सोती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस लड़की को कोई पकड़े या ना पकड़े भाई, पर उस लड़के को कोई पकड़ो जो इस लड़की को ये सस्ता गांजा प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब कुछ भी। देखा कि पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड में, मुझे ऐसे ही लगा कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में है, ठीक है, और सिग्नल जब रेड हो चुका था तो मैं मतलब एकदम मेरे पास आ चुकी थी वो गाड़ी, ठीक है, उतने में उसने सिग्नल को, एक तो सिग्नल तोड़ा सबसे पहले और फिर ट्रैफिक रूल तोड़ा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक वाइट लाइन होती है, आपको उसके पीछे खड़ा होना होता है, वो उस वाइट लाइन क्रॉस कर चुका था आगे आगे। तो इन मोहतरमा का कहना है कि कैब ड्राइवर की जो गाड़ी है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे जो वाइट लाइन बनी होती है उसको क्रॉस कर गई थी, बट आप क्लियरली देख सकते हो कि गाड़ी जो है वो वाइट लाइन से पहले रुक गई थी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी या नहीं की होगी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस जरूर की है कि हर इंटरव्यू में जो इस लड़की की स्टेटमेंट है वो यूँ बदलती है। पहले इसका कहना था कि इसको जो है 2 साल से लोग मार रहे हैं, वो 5 लोग थे, फिर वो 10 हुए, फिर 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200, फिर अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो 1000 तक पहुँच ही जाएंगे, 1000, 2 लाख। तो इसमें थोड़ी नई बात थोड़ी हो गई। ये क्या बात हुई यार, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये क्या बात हुई यार। कौन सी थर्ड क्लास मूवी से ये स्टोरी इसने उठाई है, मुझे एक बार प्लीज एक बार डीएम में बता देना, ये कौन सी थर्ड क्लास मूवी से तुमने ये स्टोरी चुराई है। मुझे लगा अब ये मुझको मार देगा, मतलब हिट कर देगा। या नहीं मारा, वो बहुत क्लोज आ चुका था एकदम, ठीक है, और मुझे लगा कि अब ये मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? दीदी को लगा कि ये गाड़ी इनको ठोक सकती है। वैसे मुझे भी एक चीज लग रही है, I'm sure आपको भी लग रही होगी, कि इसको एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। तो इनकी हर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि ये दूसरों को रूल, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब की नॉलेज जो है बांटे जा रही है। और जब इनसे पूछा गया कि आपने जो है इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट लिखी, तो इनका कहना था कि इन्होंने जो है वर्बली जो है काफ़ी बार पुलिस को इसके बारे में बताया। चलो एक टाइम को मान लिया कि पुलिस वालों ने इनकी कंप्लेंट नहीं ली, बट अगर इस लड़की को इतनी ही नॉलेज है रूल, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको आपको नहीं लगता ये बात पता होनी चाहिए थी कि ऑनलाइन एफआईआर नाम की भी एक चीज़ है जिसमें आप ऑनलाइन एफआईआर लिख सकते हो।
रुको जरा, सबर करो। जब गाड़ी आमतौर पर टक्कर मारती है तो इंसान गिर जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपका नुकसान हो। मैम वो उसका फोन साइड में चल रहा था और उसकी नजरें ट्रैफिक लाइट पे नहीं, मुझ पे थी। वो उस दिन मुझे उड़ा देता मैम। तो इसका कहना है कि कैब ड्राइवर जो है वो फोन चला रहा था बट उसकी नजरें फोन पे नहीं थी, इस पे थी। आज मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया है कि इसको कौन सी बीमारी है। कब्ज और बवासीर, इसका एक मिश्रण है बट मैं उस बीमारी को डिफाइन नहीं कर पा रहा, एक सही नाम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। What? Bro, what are you talking about, man? और मैं उसको बार बार मैं रुक करके उसके साइड फेस ऑफ फेस करके तो मैं उसको बता रही थी, वॉर्न कर रही थी कि मैं खड़ी हूँ, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका। मैम आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है, आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट सी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है, बस मुंह में जो आ रहा है वो हगे जा रही है, हगे जा रही है, हगे ही जा रही है भाई। तो वैसे इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब बात इक्वालिटी की होती है तो अगर एक लड़के को जो सजा इस टाइम मिलनी चाहिए थी, मैं चाहता हूँ वही सजा इस लड़की को भी इस टाइम मिलनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।